हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अच्छे क्यों ना हो, बैक टू बैक जो धमाल जो हो रहे हैं, जो बम जो फूट रहे हैं, वो सबका मूड अच्छा करे रखते होंगे यार। इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं डेली, रंगीन, खुश मिजाज, मजेदार, मतलब केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही है एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस की, और सब कुछ अच्छा है। आवाज भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो ऑटोमेटिक मूड अच्छा ही होगा, अच्छा ही होएगा। आज हम जिस गाने का रिएक्शन लेके आए हैं वो है नीलकमल सिंह का गाना, और इनके साथ वो है सिंगर है जो हर गाने में होती है, शिल्पी राज होती है ना। हर दूसरा गाना तो क्या कहूँ मैं, हर पहला ही गाना इनका होता है यार। बोलो, और किसी सिंगर को मौका ही नहीं दे रही है ये, इतनी ज़्यादा आवाज़ में दम है इनकी, ये सच्चाई है। और इनके साथ जो एक्ट्रेस है वो है सलोनी मिश्रा। ये नाम नया नया लगता है सुनने में, शायद ये कोई नई है, वो वाली नहीं है। समझ रहे हो ना कौन से वाली, जो हमेशा होती है, ये वो वाली नहीं है, ये नए वाली हैं। तो चलिए गाना सुनेंगे, गाने को एंजॉय करेंगे। वी होप ये गाना बहुत एंजॉयबल होने वाला है। अगर आपको ये गाना अच्छा लगता है हमारे साथ देखना, तो प्लीज चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पे भी कर ले फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। नई लड़की है, अरे तलवार से चाहे पैसा से आवा, चाहे प्यार से, चाहे पैसा से आवा, चाहे प्यार से, होके जाए है पड़ी है दरबार से, चाहे हाथे है आवा, चाहे हथियार से, होके जाए है पड़ी है दरबार से। जाइएगा कोई चाहे पैसा से आवा, चाहे प्यार से, चाहे पैसा से आवा, चाहे प्यार से, होके जाए है पड़ी है दरबार से, चाहे हाथे आवा या हथियार से, होके जाए है पड़ी है दरबार से। माइंड ब्लोइंग। आज रुपया के बारा खा कराई पूरा रात, हम पहला बारात से बन घबरा, नील कमल सोचा तो सरकावा ना के आवाकात, कर दूर ही से बात सुधरो जाने हाँ, आज रुपया के बारा खा कराई पूरा रात, हम पहला बारात से बन घबरा,
चाहे पैसा से आवाज चाहे प्यार से होके जाए पड़िए दरा पार से बोलो जवानी रसदार के होके जाए पड़िए दरा पार से आखी में रहना है लव यू कहना क्या बोली दादा ना दादा तो भैया इन्होंने तो लास्ट में नीलकमल सिंह को दादा बना लिया। दादा मतलब भाई बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ तो शायद हाँ शायद इसीलिए वो वाली लड़की नहीं थी इस गाने में क्योंकि इसको लास्ट में दादा बोलना था और उससे वो बोलेगी तो अच्छा नहीं होगा भाई तो माइंड ब्लोइंग था गाना। लड़की बहुत अच्छे से लटक रही थी, झटक रही थी, मटक रही थी और नीलकमल सिंह आज ऑलवेज बहुत अच्छी आवाज़ लेके आए, गाना थोड़ा हटके लेके आए, अलग अंदाज में लेके आए। मतलब ये अपना भी अंदाज हर बार चेंज कर देते हैं जिस हिसाब के गाने लेके आते हैं ना, यही खासियत है इनकी। तो माइंड ब्लोइंग सॉन्ग था, हमने बहुत एंजॉय किया इस गाने को। आप उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया। नेहा आपने एंजॉय किया? मैंने एंजॉय किया, लड़के के एक्सप्रेशन अच्छे थे, लड़की के डांस बहुत अच्छा कर रही थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की की कमी खल रही थी, है ना। हाँ ये मेरे साथ भी ज्यादा सच्ची है, मैं सोच रहा था नहीं बोलूं ना, मैं तो रोकी नहीं। स्टार्टिंग में तो देखो ज्यादा खल रही थी लेकिन लास्ट में थोड़ी सी ना एक्सप्रेशन वगैरह मैचअप कर गए थे, अच्छे लग रहे थे लेकिन स्टार्टिंग में तो बड़ी कमी खल रही थी यार। ये वही होती है ना तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब फिर मेरे को समझ आया लास्ट में दादा वर्ड था शायद इसलिए वो ना रखी हो, मतलब ये तो मैं अपने दिल को समझा रही हूं। ज्यादा अच्छी लगती है यार इस गाने में। ये लड़की में देखो लड़की नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, यू आर ब्यूटीफुल, अच्छे डांस किया आपने, सब अच्छा था, एक्सप्रेशन अच्छे थे लेकिन इस गाने में वो वाली ना इनके साथ ज्यादा अच्छी लगती है नीलकमल सिंह के साथ। और जो लुंगी नहीं पहन के आई, ये सेम लुंगी मेरे पास भी है, देखिए याद है आपकी लड़की लुंगी पा के आई है। हाँ लड़की की लड़का लड़की लुंगी पा के आई है जो सी लड़की लुंगी नहीं पा के आई, वो लुंगी भी पा के आई थी बीच में। अरे रे कहाँ ध्यान है यार, मैं मेरी तो सुन लो मैं भूल जाऊंगी, मैं तो पूरा देखता हूँ भाई ध्यान से, पता है मुझे। हाँ पता है, सब पता है, ना ही बताओ तो अच्छा है। क्यों तो वही सेम लूंगी, ब्लू कलर की चेक वाली मेरे पास भी है कल डाल के बैठ जाना आप भी, ठीक है दोस्तों। पता क्या, देखो लड़की में कोई कमी नहीं थी, क्यों झूठ बोलूं, लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन मेरी आंखों को आदत होगी है नीलकमल के साथ उसको देखने की। अब गलत है यार, ऐसे आदत डालनी नहीं चाहिए, वो नीलकमल जी की गलती है ना कि उन्होंने शुरू से सारे बहुत गाने ज्यादा, ऐसे बहुत करे ज्यादा। अरे भाई क्या मक्खी कहाँ से आ गई, अब हमें ना कोई और लड़की को इमेजिन करने में देखने में बड़ा दिक्कत हो रही है भाई। बिल्कुल बीच बीच में या तो लेते आया करो, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, ये तो हर दूसरा गाना क्या मतलब दो तीन गाने छोड़ के बाकी सब उन्हीं के साथ गाते हैं। हाँ, मैं वो कह रही हूँ या तो उन्हीं को कंटिन्यू रखो या बीच बीच में रेट रूट की सेटलमेंट अच्छी होगी मेरे ख्याल से, या बीच बीच में अलग अलग, बाकी बीच बीच में अलग अलग थोड़ी बहुत बदलनी तो बनती है ना, बनती है। और क्या ऑडियंस यार एक्टर हैं ये, ऑडियंस के चॉइस के हिसाब से इस पे अच्छे रिस्पांस नहीं मिलेगा। दिल की बात तो नहीं, अब हमने बोल दिया अगर इन्होंने हमारी वीडियो देखी तो अगली बार उन्हीं को लेके आएंगे। मेरी बात सुनो, नहीं मैं अपने दिल की कैसे, मेरे दिल में तो आप हो जी, मेरे दिल में तो आप हो, कि यहां किसी और को भी बिठाने का मन कर लो, मुझे तो तुम रानी यार। दोस्तों प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना इनके चक्कर में ना अपना ओड में कुछ मेरे को बोलना चाहते हैं कि इस जगह पे मैं किसी और को भी बैठने का मौका देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कुर्सी हटा दूंगी पर यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगी। ऐसा कुछ नहीं गाइज, हमने इस गाने को बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया गाने के साथ हमारे रिएक्शंस को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करके जाना नहीं ब्रो, पाप चढ़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ये पे करते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।